तो देखो सज्जनों, एक बताना आपके सामने कि इंसान को किसी भी चीज का गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? कि काया माया धन दौलत ये सब आनी जानी बताई है, तो बताया है। भाई कभी घमंड मत कीजिए तो चाहे पावत रात, इस कारण संसार में तो बिगड़ जाई सब काज। तो एक समय की बात है कि कश्यप ऋषि के एक दिति नाम की पत्नी थी, उसके दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने वरा अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। कई हजारों वर्ष बीत जाने तक हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर के वहां प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। वह खुश होकर के मांगो, तब हिरण्यकश्यप कुछ ऐसा वरदान मांगता है। तो क्या मांगता है, तो बताया। अरे हो मरण वाला कोई नहीं, लू ऐसा वरदान ब्रह्मा से मरण वाला कोई नहीं, मरण वाला कोई नहीं, मरण वाला कोई नहीं, लू ऐसा वरदान ब्रह्मा से मरण वाला कोई नहीं, लू ऐसा वरदान ब्रह्मा से मरण वाला कोई नहीं। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगा कि भक्ति की मैंने खेती सींची, तारण वाला कोई नहीं, लू ऐसा वरदान ब्रह्मा से हो मारण वाला कोई नहीं, कि मुझे संसार में कोई नहीं मारने वाला हो। तो देखो कहने लगा, जटिल तपस्या करके उसने कई कई वर्ष बिताए जी, जटिल तपस्या करके उसने कई कई वर्ष बिताए, खुश किया ब्रह्मा को उसने वो दौड़े दौड़े आए, खुश किया ब्रह्मा को उसने दौड़े दौड़े आए। वरदान मांगने लग गया और कहने लग गया, हाथ जोड़ कर हिरण्यकश्यप बोले मेरा कहने पुगावो, हाथ जोड़ कर हिरण्यकश्यप बोले मेरा कहने पुगावो, मन की चाही हो जागी तुम मुझको बोल सुनाओ, मन की चाही हो जागी तुम मुझसे बोल सुनाओ, मन की चाही हो जागी तुम मुझसे बोल सुनाओ।
भगवान ब्रह्मा जी से वरदान है, क्या क्या मांगता है तो बताया। नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से ना धरती आकाश को, नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से ना धरती आकाश से, मरी मरू नहीं दानव मानव से कर दो पूरी आस को, मरू नहीं दानव मानव से कर दो पूरी आस को। शस्त्र से ना धरती आकाश को, मरू नहीं दानव मानव से कर दो पूरी आज कि भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ना तो अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना धरती पर मरू ना आकाश में मरू, और भी बताएंगे वरदान में क्या मांगता है तो बताया। ना रजनी में ना ही दिन में बार मरू ना अंदर है, ना रजनी में ना ही दिन में जीव जंतु और पशु पखेरु चाहे हो कोई बंदर, जीव जंतु और पशु पखेरु चाहे हो कोई बंदर। ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है ना रजनी में यानी कि ना तो रात्रि में और ना ही दिन में बाहर मरू ना अंदर, और बताएगी जीव जंतु पशु पखेरु चाहे हो कोई बंधन, और बताएगी रची हुई थारी सृष्टि अंदर संघारण वाला कोई नहीं, यानी कि मुझे जो आपने सृष्टि रचाई है इसके अंदर ऐसा कोई भी मारने वाला पैदा ना हो। तो देखो ब्रह्मा जी उस हिरण्याक्ष को तथास्तु कह देते, उसको वरदान दे देते हैं, लेकिन बताया है कि हिरण्याक्ष वरदान लेकर के मन में बड़ा फूल जाता है, बड़ा घमंड आ जाता है, तो बताया अरे पाकर के वरदान भूला भूला दीनानाथ को, पाकर के वरदान भूला भूला दीनानाथ को, लाल चंद गुरु पूरे मिलेंगे सिर पर धर दिया हाथ को, लाल चंद गुरु पूरे मिलेंगे सिर पर धर दिया हाथ को। सदनों ऐसे ऐसे विद्वान तपस्वी और बलवान बोले जिन्होंने
जब और तब करके ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे, लेकिन पाप के रास्ते चल पड़े, इसलिए ऐसे ऐसे अजर और अमर वरदान लेकर भी उनको इस धरती से जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने धर्म को छोड़कर पाप का और अंधकार का प्रचार सार किया था। और देखो बताएं कि इसलिए है इंसान संग में कुछ भी नहीं जाता है, बस केवल भलाई और बुराई ही साथ में जाती है। इसलिए बताएं इंसान सत के पथ पर चल करके उस भगवान को हमेशा याद रख, और बाकी इस धरती पर कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। बोल भगत भगवान की जय।